हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट पारा मेडिकल काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। काउंसलिंग कब से होगी तो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है आप सब लोगों के लिए, जो भी वेट कर रहे थे पारा मेडिकल काउंसलिंग का, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। क्या है न्यूज, चलिए आप लाइव देखिए क्या है न्यूज। यहाँ पे मैं एक्स रिकॉर्डर ओपन कर लेता हूँ, पहले मैं एक्स रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ अपना। आप सब लोग इधर देखिएगा, मैं ऑन कर दे रहा हूँ। चलिए मैंने ऑन कर दिया, आप सब लोग इधर देखिएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा बाबू कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया है यूजीएमसी का। यहाँ पर पीजीडीसी का भी फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट आ गया। यूजीईसी का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड का आ गया। यहाँ पे डीसीएससी पीई का प्रोविजनल सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया। यहाँ पर पारा मेडिकल और पारा मेडिकल मैट्रिक्स आपको देख रहे होंगे, इसी को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट डॉट में है क्या काउंसलिंग शुरू हो गई है। ये 9 नंबर में देखिए, यहां पर आप लोग दिख रहा होगा, यहां पे ये बाबू आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लिए होंगे। ये आपको एडमिशन के समय काम देने वाला है, इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे मेरे प्यारे शेर शेरनियों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। अपने गूगल ड्राइव या मोबाइल में ही सेव करके अच्छे से रख लीजिएगा फॉर्म को, सारे लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। काउंसलिंग के रिलेटेड क्या न्यूज है तो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आइएगा, लेटेस्ट अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर देखिए, ऊपर में ही दिखा रहा है पारा मेडिकल और पारा मेडिकल। देखिए यहाँ पर देखिएगा, मैं लगा दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं। मेडिकल डेंटल बिहार वेटरिनरी प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार ऑफ द बेसिक ऑफ नीट यूजीसी, नीट यूजीसी का है और इस कारण से डॉट में स्टूडेंट है। फिर यहाँ पे एक नोटिस नीचे है मेडिकल के रिलेटेड, डिप्लोमा कोर्स इन गवर्नमेंट, इसको लेकर तो और डॉट में स्टूडेंट आ गए। मैं बता रहा हूँ भाई, कल मेरे को बहुत सर काउंसलिंग शुरू हो गया है, आप स्टार्ट करिए, पेमेंट कर दिए। देखिए भाई यहाँ पे ये डिप्लोमा किसका है, आप लोग समझते नहीं भाई। शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्सेस गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डीएनबी डिग्री डिप्लोमा, ये डिग्री डिप्लोमा का है। कोर्सेस इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार स्टेट ऑफ द बेसिक ऑफ नीट पीजी का है, ठीक है। तो ये आप सब लोगों का नहीं है, आप सब लोगों का जो होगा डीसीईसी पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस होगा। तो आप सब लोग इस, ये नोटिस है, इस नोटिस को देखकर काफी स्टूडेंट मेरे को कॉल भी करते हैं। चलिए आपको एक नोटिस भी पढ़ के मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड मैंने कर लिया एक नोटिस को, यहाँ पे गूगल ड्राइव में इसको ओपन करता हूँ। देखिए आवश्यक सूचना ये आप सब लोगों का नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किसका है देख लीजिए, यहाँ पे साफा लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे साफा लिखा हुआ है। आप सब लोग कैसे गड़बड़ा जा रहे हैं मेरे प्यारे शेरनियों, देखिए ठीक है। आप सब लोग चिंता ना करें, मैं अभी एक्स रिकॉर्डर को बंद कर लेता हूँ। आप सब लोग चिंता ना करें, जब भी काउंसलिंग शुरू होगा तो सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे। पारा मेडिकल का जो काउंसलिंग होगा ना, वो 5 सितंबर के बाद स्टार्ट होगा। अरे सर सच सच बता दो ना, काउंसलिंग होगा भी या नहीं होगा इस वर्ष? बार बार क्यों हम लोगों को भटका रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, पता होता है सर आपको कि ऐसे ही खाली वीडियो बनाते हैं, पता होता सब है हमको, सारा कुछ पता है, समझ गए ना। देखिए आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो देखिए भाई आप लोग भी कॉल करके पूछिएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बीसीसी बोर्ड के सूत्रों के हवाले से पता चली है कि आप सब लोगों का जो काउंसलिंग है ना, वो 5 सितंबर के पहले करवाने का कोई विचार ही नहीं है बीसीसी बोर्ड का। सर करवा लेगा ना, इन साल होगा कि नहीं होगा काउंसलिंग, ये भी डॉट लग रहा है। तो काउंसलिंग तो होगा ही भाई, बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं होगा, बात तो ये रही। काउंसलिंग होगा पर थोड़ा लेट से होगा, पिछले वर्ष भी आपका काउंसलिंग 15-20 सितंबर के बाद ही हुआ था, तो इस वर्ष भी आपका काउंसलिंग उसी डेट में होगा। यानी कि हम उम्मीद कर रहे बाबू कि आपका काउंसलिंग 10 सितंबर के बाद हो सकता है कि स्टार्ट कर दिया जाए, ऐसे हमको संभावना लग रहा है। एक्सपेक्टेड डेट हमने पता किया है, एक्सपेक्टेड डेट जो है बाबू, एक्सपेक्टेड डेट हम दे देते आपको, एक्सपेक्टेड डेट जो है बाबू वो 7 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का काउंसलिंग हो जाना चाहिए, ठीक है।
काउंसलिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर 7-8 सितंबर को भी स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपका काउंसलिंग लगभग 12 सितंबर के बाद स्टार्ट होगा। इसे एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं आप लोग कि आप लोगों का काउंसलिंग 5 सितंबर के बाद स्टार्ट होगा। 5 सितंबर के बाद आप सब लोग के काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सब लोग इंतजार करें, थोड़ा सा वेट करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर से जरूर कर लीजिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब। 7 सितंबर से 15 सितंबर तक काउंसलिंग होने जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप सब लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सारे स्टूडेंट तक पहुँचाइए। आप लोगों का काउंसलिंग सितंबर के सेकंड वीक में स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, शुरू हो जाएगी सेकंड वीक यानी कि 7 सितंबर से, नहीं तो 8, नहीं तो 9, 10, 11, 12, 13 इसके अंडर में शुरू हो ही जाएगा। तो आप सब लोग थोड़ा सा वेट करिए। इस महीने में आप काउंसलिंग होने का कोई चांस नहीं है, इस महीने में काउंसलिंग का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब अगले महीने में यानी सितंबर में चांस है, उम्मीद है कि आपका काउंसलिंग शुरू किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, अगले महीने सितंबर से सेकंड वीक में जरूर आपका काउंसलिंग स्टार्ट कर देगा बीसीसी बोर्ड। और ऐसे भी आप सब लोगों के पास एडमिशन के लिए काफ़ी समय होता है, नवंबर तक पारामेडिकल का एडमिशन लिया जाता है, इस कारण से बीसीसी बोर्ड के पास भी काफ़ी समय है बीसीसी बोर्ड के पास। इसलिए बीसीसी बोर्ड भी नहीं चाहती कि इतना जल्दी काउंसलिंग हो, क्योंकि काउंसलिंग होने के बाद बाबू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काउंसलिंग के बाद सबसे पहले आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, सेकंड सीट अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मॉपअप राउंड भी होगा। मॉपअप राउंड उन्हीं का होगा जो काउंसलिंग करवाएंगे। चलिए, तो जो काउंसलिंग करवाएंगे उन्हीं का मॉपअप राउंड में भी जाने का मौका मिल सकता है, बहुत सारा सीट खाली रह सकता है। तो आपको मॉपअप में जाना है तो काउंसलिंग जरूर करवाइए। और जो हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, 200 रुपया फी है, काउंसलिंग कर दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में 200 रुपया पेमेंट करके। तो काउंसलिंग अगले महीने से स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।